दोस्तों आज हमने पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज की थी 1900 के अंदर लैंडस्टीनर और विलर ने। इसी तरीके से जो उनको 1930 के अंदर इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और ये ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1901 के अंदर की गई थी। यहाँ पे बात करेंगे ब्लड ग्रुप के अंदर, उन्होंने बताया था कि मानव के अंदर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एबी और ओ। इन सभी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिनको एंटीजन, और दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है वो अपने पास आरबीसी में मिलता है, एंटीबॉडी जो होता है वो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो एंटीजन होता है उसका नाम होता है एंटीजन ए, एंटीबॉडी जो होती है उसका नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी बी। यहाँ ध्यान में इसको कैपिटल से दिखाया गया, इसको स्मॉल से दिखाया गया। इसी तरीके से जो बी ब्लड ग्रुप होगा एंटीबॉडी, तो एंटीजन तो उसमें क्या होगा बी होगा, जबकि एंटीबॉडी जो होगा उसका क्या होगा ए होगा। ए बी के अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी इसमें किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और जो ब्लड ग्रुप अपने पास एंटीजन तो क्या होगा एक भी नहीं होगा, और एंटीबॉडी इसमें क्या होंगे दोनों होंगे। अब ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो ब्लड ग्रुप अपने पास जो ए बी जो होता है ना, ये काम क्या करता है, जो ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये सभी से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है, ब्लड जो है सभी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता। अगर अपने पास क्या है ए है, उसको अपने ब्लड ग्रुप बी चढ़ा देते हैं, तो यहाँ एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये आपस में रिएक्शन करते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी कारण क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसको आप काम किया अगर उसी प्रकार का रक्त को क्या किया जाता है, दिया जाता है। लेकिन याद है ब्लड ग्रुप जो ओ है, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी इसमें दोनों होते हैं। इसका मतलब ये सभी प्रकार के, इन सभी को क्या किया जा सकता है, ये रक्त को दे सकता है। तो ओ जो है सभी को क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो सभी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। तो ये सभी से रक्त ले सकता है, ये सभी को रक्त दे सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी जो है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही। इसी तरीके से ओ जो है सभी को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, जिसको क्या बोला जाता है, सर्वदाता। तो यहां जाएगा कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, जबकि ये किससे ले, सभी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है। इसके अलावा जो लैंडस्टीन और विलर थे, उन्होंने क्या किया था कि एक मकाका रिसेस नाम का बंदर था, उसके अंदर क्या किया, एक अलग प्रोटीन की खोज की जिसका नाम था आरएच। जिस बंदे के अंदर या जिस व्यक्ति के अंदर ये पाया जाता है उसको तो क्या बोला जाता है, आरएच पॉजिटिव। जिसके अंदर नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, आरएच नेगेटिव। अब हमने देखते हैं कि यहाँ ब्लड ग्रुप जो होगा वो किस व्यक्ति से ले सकता है और किसको दे सकता है, किस ग्रुप से ले सकता है, किस ग्रुप को दे सकता है। तो अपने को पता है कि ये यूनिवर्सल क्या है, डोनर है। तो ये भी ध्यान रखना कि आर एस फैक्टर का भी अपने क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो यहाँ ए प्लस है तो वो क्या ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ए पॉजिटिव से। इसी तरीके से अपने को पता है कि ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है। इसका मतलब वो ए प्लस से लेगा, यानी कि ए प्लस को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी प्लस को। ए नेगेटिव होगा वो ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से ले सकता है। देख किस किस को सकता है, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव हो। बी पॉजिटिव होगा वो बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, देख किस को सकता है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। बी नेगेटिव होगा वो बी नेगेटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है, देख किस किस को सकता है, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। ए बी भी पॉजिटिव है वो किसको ले सकता है, किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव से, दे किसको सकता है, ये सिर्फ ओनली किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए बी नेगेटिव है ये किसको ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, दे किसको सकता है, ओनली ए बी नेगेटिव दे सकता है। ओ पॉजिटिव है ये सिर्फ ओनली ओ पॉजिटिव से ले सकता है, दे किसको सकता है, सभी को दे सकता है। इसी तरीके से अपने पास ओ नेगेटिव होगा वो ओ नेगेटिव से प्राप्त कर सकता है और दे किस किस को सकता है, सभी जो ब्लड ग्रुप है यहाँ नेगेटिव जिसके ऊपर जिसमें आर एस फैक्टर नहीं होगा उन सभी को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इस तरीके से अपने यहाँ देखा था कि एक ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है वो किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है और किस ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, दे सकता है।
यहाँ अपने पास ध्यान रखना कि जो जैसे यहाँ अपने पास ए प्लस है तो ये किस किस को देखो ओ को तो देखो ओ का आपने को याद रखना है कि ओ सभी को ले सकता है तो इसका मतलब जो ए होगा वो ओ से ले सकता है। दूसरी बात उनको क्या याद रखना है कि ए जो होगा ना वो किसको दे सकता है तो यहाँ ध्यान रखना है कि ए ए को खुद को तो देगा दूसरा किसको दे सकता है ए बी से तो यहाँ भी ध्यान रखना कि ए बी और ए है तो इन दोनों में क्या ए शामिल है तो यहाँ तुम लोग क्या याद रख सकते हो कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो होगा ब्लड ग्रुप जिसका है वो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। इसी तरीके से बी पॉजिटिव ले लो या बी नेगेटिव ले लो देने की जब बात आएगी किसको देगा ए बी को दे सकता है और बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो यहाँ आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि डोनेट जब ब्लड को डोनेट किया जाता है तो उनमें ध्यान रखना इस चीज का क्या रखा जाता है ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।